हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुसीज गार्डन। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी पाइन ट्री के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और इसे किस तरह से आप अपने घर में लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये प्लांट पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले प्लांट में से एक है और बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है। काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, पेड़ के रूप में ये डेवलप होते हैं प्लांट। तो अगर आप इसे गमले में लगाना चाहते हैं तो गमले में भी आप इसे एक पेड़ का शेप दे सकते हैं। इसे आप बोनसाई शेप में डेवलप करके पेड़ की तरह ही बना सकते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं जब ये बोनसाई शेप ले लेते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है ये और इसमें किसी भी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसकी पत्तियों को देख सकते हैं, इसकी पत्तियां निडिल के तरह ही बिल्कुल होती हैं और जहां जहां से अगर इसकी पत्तियां आपको थोड़ी सी जली हुई दिखाई दें तो उन्हें आप समय समय पर अगर ट्रिम करते रहते हैं, हटाते रहते हैं, तो इसमें नई नई ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ये प्लांट आपको नर्सरी में लेस देन 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो अगर आप इसके छोटे प्लांट को परचेज़ करते हैं तो किसी छोटे पॉट में ही लगाएं और जब इसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाए तब आप इसे बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। और इसे बहुत जल्दी जल्दी रिपोर्ट ना करें क्योंकि इस प्लांट को जल्दी जल्दी अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो ये प्लांट शॉक में आ सकता है। बात करें अगर इस प्लांट की सॉइल की तो इस प्लांट को वेल ड्रेन सॉइल ही पसंद है क्योंकि ये पहाड़ी इलाकों में पाया जाने वाला प्लांट है जहाँ पर ढलान के ज़रिए पानी निकल जाता है इनकी रूट्स को छूते हुए और मॉइस्चर भी मेंटेन रहता है और इसी तरह से ये प्लांट पहाड़ी इलाकों में ग्रो करते हैं। तो हमें भी गमले में ऐसी ही मिट्टी तैयार करनी है कि मिट्टी को गीला करते हुए पानी नीचे से निकल जाए और इनकी रूट्स में नमी भी हल्की सी बनी रहे, जिसके लिए आप थोड़ा सा कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती है। इसे आप साल में दो बार भी अगर फर्टिलाइज़ कर देते हैं तो आपका ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। आप इसमें काउडंग मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में, मई जून के दिनों में, आप इसमें किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र को ना दें और कोशिश करें कि मई जून के दिनों में आप इसे किसी छायादार पेड़ के नीचे ही रखें जहाँ पर छन कर इसे धूप मिले, क्योंकि मई जून की तपती धूप में इसकी जो निडिल्स जैसी पत्तियाँ हैं ये झुलस जाती हैं और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका ये प्लांट ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब भी आप छोटे प्लांट को लेकर जाएं तो कुछ दिनों के लिए इसे सेमी शेडेड एरिया पर ही रखें, उसके बाद आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में प्लेस कर सकते हैं। इसे 6 से 7 घंटे की भी अगर धूप में आप रखते हैं तो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और अगर आप इसे किसी छायादार जगह पर रखते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें ग्रीनरी तो बनी रहेगी लेकिन इसकी ग्रोथ कुछ हद तक रुक जाती है। इसके पेड़ की लकड़ियों का भी यूज़ काफ़ी सारी चीज़ों में किया जाता है, काफ़ी न्यूट्रिशन होता है इसकी लकड़ियों में। आप इस प्लांट को सितंबर अक्टूबर के मंथ में नर्सरी से लाकर लगा सकते हैं या फिर उधर फरवरी और मार्च के मंथ में भी इसे नर्सरी से लाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में ये पौधा जल्दी ट्रांसफर शॉक में नहीं जाएगा। इस प्लांट में सीड्स भी निकलते हैं, आप इन्हें सीड्स से भी ग्रो कर सकते हैं और इसकी कटिंग को भी आप लगा सकते हैं। कटिंग से भी ये प्लांट इजीली ग्रो कर जाते हैं मॉनसून के सीज़न में। अगर आप इसकी कटिंग को लगाते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इस तरह से अगर आप एक बार इस प्लांट को लाकर लगाते हैं, अपने गार्डन में ऐड करते हैं, तो आपको बार बार इस प्लांट को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके सीड से, इसकी कटिंग से ही आप मल्टीपल प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। इस प्लांट को अगर आप किसी बड़े प्लांटर में लगाते हैं तो ये प्लांट काफ़ी अच्छी हाइट के हो जाते हैं। तो जिस तरह से इसकी ग्रोथ होती जाए आप इसका प्लांटर चेंज करते जाएं। तो जब भी आप इसकी रिपोर्टिंग करें, 2 से 3 सालों में इसे रिपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो जब भी आप इसकी रिपोर्टिंग करें तो इसे एक साइज़ बड़ा ही प्लांटर दें ताकि इसकी और अच्छे से ग्रोथ हो सके, इसकी रूट्स अच्छे से डेवलप हो सके, तभी ये प्लांट अच्छी हाइट का हो पाएगा। प्लांट में हमें बहुत ज़्यादा कटिंग वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये प्लांट खुद से ही अच्छी शेप ले लेते हैं। बस अगर आप इनकी समय समय पर डेड लीव्स वगैरह हटाते रहते हैं तो इनकी नई नई ग्रोथ आपको देखने को मिलती रहेगी। इस प्लांट में बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी चाहिए, बस एक बार दिन भर में एक बार अगर आप इसे अच्छे से पानी दे देते हैं तो भी ये प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है।
तो अगर बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं तब आप इसमें सुबह के समय धूप निकलने से पहले इसमें अच्छे से वाटरिंग कर सकते हैं, या फिर शाम को इसमें एक बार अच्छे से वाटरिंग कर दें। तो इस तरह से ये प्लांट अच्छे से ग्रो करता रहेगा और वाटरिंग की किसी भी तरह की कोई भी शिकायत आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। तो इस प्लांट की रिपोर्टिंग अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर शेयर करूंगी। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के नए नए प्लांट्स के वीडियोज़ आप तक मैं पहुँचाती रहूँ। तो आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लांट की अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।